हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AI Work में। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको स्पीकर को रिकॉन करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे नए तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ अपनी वीडियो में। और डिसलाइक क्यों किया है आप मेरी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे आने वाली वीडियो में मैं उस कमी को सुधार सकूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। स्पीकर को हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कटर की मदद से या जो भी टूल आपके पास उसकी मदद से जो गंदगी है सारी साफ़ कर लेनी है हमें। इसके ईयरिंग को भी निकालना है, मतलब जो भी इसमें जो ग्लू वगैरह लगा हुआ था पहले वो बिल्कुल हमें क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम जो इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे वो मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। तो चलिए पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ कर दिया है सैंड पेपर और कटर की मदद से। ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। ये देखिए, रिकॉन करने के लिए हमने इसका सारा सामान ले लिया है। ये है इसका रिकॉन पेपर, स्पाइडर, ये है इसकी वॉइस कॉइल। वॉइस कॉइल हमने दूसरी तरह की ली है, एक्चुअल में ये बूफर के लिए यूज़ होती है। ये हमने मोटी वाली वॉइस कॉइल ली है, इसमें चार लेयर जो होती हैं हमने वो वॉइस कॉइल ली है। एक पतली वाली भी आती है वो हमने नहीं ली। ये है इसकी डस्ट कैप, ये इसकी टर्मिनल वायर। मैं आपको वॉइस कॉल पतली वाली भी दिखा देता हूँ एक बार। इस कॉइल में क्या होगा, इस कॉइल में बेस ज़्यादा बनेगा इसलिए हमने ये वाली कॉइल ली है। बाकी मैं आपको एक पतली वाली कॉइल भी दिखा देता हूँ एक बार। ये है देखिए इसकी वॉइस कॉइल पतली वाली, इसमें टू लेयर होती हैं, जो इसकी वायर की लेयर होती हैं वो टू लेयर होती हैं। ये बेसिकली वॉइस स्पीकर में यूज़ होती है। और ये वाली जो कॉइल हमने ली है, ये हमने बूफर की कॉइल ली है इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेस हमारा अच्छा बनेगा इसलिए मैंने ये कॉइल ली है। इसमें चार लेयर होती हैं, इसमें जो वायर की लेयर होती हैं वो चार होती हैं, इसमें दो होती हैं। आप देख सकते हैं, देखने में ही पता चल रहा है हमें दोनों वॉइस कॉइल में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रिकॉइन। रिकॉइन करने से पहले इसमें हमें जो वॉइस कॉइल है ना, इसकी जो इंसुलेशन जो वायर है इसके ऊपर इंसुलेशन होती है, उसको निकाल लेना है। क्योंकि हम अगर बाद में इसको फिक्स करने के बाद अगर हम इसको निकालते हैं, छीलते हैं, तो हो सकता है हमारी कॉइल इधर से उधर हो जाए, हल्की हिल जाए। तो सबसे पहले हम इसे जो है इंसुलेशन इसकी निकाल देंगे। इंसुलेशन निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इसको लाइटर वगैरह से इसको हीट करके निकाल दें, जला के निकाल दें, या फिर किसी कटर वगैरह की मदद से इसको आप रब कर लें तो ये इजीली हो जाएगा। तो वॉइस कॉइल लगाने से पहले हमें सबसे पहले यही करना है कि इसको अच्छी तरह से रब कर लेना है, इसके वायर को, टर्मिनल वायर जो है इसके उनको रब कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसके टर्मिनल वायर को रब कर लिया अच्छी तरह से। अब इजीली ये सोल्ड हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसको मैंने रब कर लिया है। चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इसके जो कॉइल है, वॉइस कॉइल, उसको लगाना होता है। ये वॉइस कॉइल हमें लगभग इसके दो या तीन वायर हमें ऊपर रखने होते हैं इसके, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसके दो या तीन हम ऊपर रखेंगे और इसको फिक्स कर लेते हैं हम पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इस कॉइल को फिक्स कर दिया है और इसको रोकने के लिए मैंने ये जो बाइंडिंग वाली फिल्म होती है उसका यूज़ किया है। कॉइल को लगाने के बाद मैंने इस फिल्म को इसके चारों तरफ फंसा दिया है, जिससे कॉइल हमारी स्पाइडर लगाते समय या फिर हमें कोन लगाते समय नीचे ना जाए, हमारी जो कॉइल है वो नीचे ना जाए। और इस कॉइल को देखिए, मैंने हल्का सा ऊपर रखा है। इसके तीन या चार जो राउंड होते हैं वायर के, वो मैंने इसको ऊपर रखे हुए हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो जंपिंग होगी वो अच्छी होगी और हमारी जो वॉइस है वो भी क्लियर आएगी। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने तीन या चार वायर इसके ऊपर रखे हैं और इस कॉइल को फिक्स कर दिया है मैंने अच्छी तरह से। ये देखिए, चलिए अब हम इसका स्पाइडर लगाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। स्पाइडर को फिक्स करने के लिए मैं इस फेविबॉन्ड का यूज़ करूँगा। इस फेविबॉन्ड को मैं इसके चारों तरफ यहाँ लगा दूंगा जहाँ मैं स्पाइडर लगाना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा दूंगा इसको और इसका स्पाइडर जो है फिक्स कर दूंगा इसमें। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ और स्पाइडर फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। मैंने चारों तरफ फेविबॉन्ड लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये चारों तरफ मैंने फेविबॉन्ड लगा दिया है। चलिए अब स्पाइडर लगाते हैं, अपना स्पाइडर लगाते हैं। ये देखिए, हमने स्पाइडर को फिक्स कर दिया है। अब इसको हम ना हल्का सा इस करके
घुमा देंगे हल्का सा हाथ से, इस तरह से घुमा देना है हमें, जिससे क्या होगा हमारा सारा जो ग्लू है और जो गम है वो अच्छी तरह से इस स्पाइडर में लग जाएगा चारों तरफ से। इस तरह से मैंने इसको हल्के से घुमा दिया है, इससे क्या होगा इसका सारा जो गम है वो अच्छी तरह से लग जाएगा इसमें। तो चलिए हम इसका इसको चिपकाने के लिए हम यहाँ पे एरल लाइट यूज़ करेंगे। तो मैं एरल लाइट लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके चारों तरफ हमने एरल लाइट लगा दिया है अपनी कॉइल के चारों तरफ। अब हम इसके ऊपर कोन लगाएंगे अपना, ये वाला कोन लगाएंगे हम इसके ऊपर। तो चलिए मैं कोन लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से एरल लाइट लगा के चिपका दिया है चारों तरफ से, इसकी वॉइस कॉइल को भी और इसके जो बूफर का हमारा कोन था कोन पेपर उसके साथ चिपका दिया है। और यहाँ पर मैंने फेवी बॉन्ड यूज़ करके इसके कॉर्नर को भी चिपका दिया है। तो चलिए अब हम इसे सूखने के लिए रख देते हैं कुछ देर के लिए, फिर मैं आपको इसके टर्मिनल वायर जोड़ के दिखाऊंगा। हो चुका है, अब हम इसमें इसके टर्मिनल वायर जोड़ेंगे। तो इस ट्वीज़र की मदद से मैं इसमें होल कर लूँगा इसके जो पेपर है पेपर कोन इसके टर्मिनल वायर में दोनों निकालने के लिए मैं यहाँ पर होल कर लूँगा ट्वीज़र की मदद से। तो चलिए मैं टर्मिनल वायर लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने होल कर लिए हैं उसके टर्मिनल वायर को, मैंने बाहर की तरफ निकाल लिया है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसके टर्मिनल वायर को बाहर की तरफ निकाल लिया है और इस पेपर कोर में भी होल करके, ये देखिए। चलिए मैं इसको इसके वॉइस कॉल से जोड़ देता हूँ, सोल्ड कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँ। टर्मिनल को सोल्ड कर दिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा एरल टाइट लगा दूँगा जिससे कभी भी ये वायर बाहर की तरफ ना खींचें। ये देखिए हमने इसके टर्मिनल वायर को सोल्ड कर दिया है अच्छी तरह से। ये देखिए इसके टर्मिनल वायर को हमने हल्का सा ढीला छोड़ना है, इससे हमारा जब बूफर का जो पेपर है अप डाउन होगा तो ये लूज़ रहे। तो ये देखिए मैंने इसको हल्का सा लूज़ छोड़ के और ये देखिए मैंने सोल्ड कर दिया है। तो अब हम इसको थोड़ी देर और सूखने के लिए रख देते हैं, उसके बाद मैं इसका डस्ट कैप लगा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं इसकी टेस्टिंग के टाइम। बल्कि रेडी हो चुका है पूरी तरह से, बारी इसकी टेस्टिंग की है। इसमें मैंने वायर भी अटैच कर दिए हैं, ये देखिए। अब इसकी टेस्ट करते हैं हम इसको। तो चलिए टेस्ट करने के लिए मेरे पास कोई बड़ा एम्पलीफायर नहीं है, बट छोटा सा एम्पलीफायर है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये मिनी एम्पलीफायर जो मैंने बनाया था, ये देखिए इसकी हम टेस्टिंग करेंगे इसकी। तो बहुत ही छोटा सा ब्लूटूथ एम्पलीफायर मैंने बनाया है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी भी वीडियो आपको दे दूँगा। तो चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। पहले हम इसकी नॉर्मल टेस्टिंग करेंगे बाहर से, उसके बाद फिर इसको मैं बॉक्स में मॉडिफाई करूँगा, बॉक्स में डाल के फिर मैं आपको चेक कराऊँगा। तो चलिए मैं इसके वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको टेस्ट। फाइनली हमने देखिए इसमें एम्पलीफायर सा कनेक्ट कर लिया है, ये हमारा एम्पलीफायर है, इससे हमने कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने कनेक्ट कर लिया है ये ब्लूटूथ से, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। तो अब मैं इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें 3.0 आ रहा है, यही हमारा ब्लूटूथ है, ये हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है इसमें। तो चलिए अब कोई सॉन्ग प्ले करते हैं हम इसमें, मैं सॉन्ग लगाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अपना कहा
आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा चल रहा है हमारा। इसमें बेस थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसमें आपको बेस समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि माइक में बेस रिकॉर्ड हो नहीं पाता सही तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारा स्पीकर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। एक बार मैं फिर आपको चला के दिखाता हूँ। चलिए मैं इसको इस बॉक्स में मॉडिफाई करता हूँ, इस बॉक्स के अंदर फिक्स करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका बेस वगैरह और टेस्ट कराता हूँ एक बार दोबारा से, इसका आवाज़ वगैरह कैसी है मैं इसमें बॉक्स में फिट करते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने इसको बॉक्स में मॉडिफाई कर लिया है, इसको बॉक्स में मैंने फ़िट कर दिया है बढ़िया से, और अब हम इसमें गाना प्ले करने वाले हैं। तो चलिए मैं गाना प्ले करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया बेस आ रहा है इसके अंदर, और शायद माइक में इतना अच्छा ना समझ में आ रहा हो बट इसमें बहुत ही अच्छा बेस आ रहा है और साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो हमारा ये सक्सेसफुल रहा हमारा साउंड सिस्टम बनाना हमारा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो किसी भी तरह से आपको ना पसंद हुई हो, ना अच्छी ना लगी हो, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट डिसलाइक क्यों कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आने वाली अपनी वीडियो में उस गलती को सुधार सकूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।